फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे समाज की खबरें, हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। कांग्रेस का जो मूल चरित्र रहा है वो दलित विरोधी है। इन्होंने अपने नेताओं का हमेशा अपमान किया है। जो कांग्रेस के अंदर जो दलित नेता थोड़ा अपनी मेहनत से ऊपर उठता है, तो कांग्रेस का ये करैक्टर, ये चरित्र रहा है जो पूरे देश के सामने है कि उसने उसको नीचे कुचलने का काम किया है। कांग्रेस का जो मूल चरित्र रहा है वो दलित विरोधी है। कांग्रेस का अगर इतिहास उठा करके देखें, इनका दलित विरोधी चेहरा बेनकाब होता है। लेकर के बाबू जगजीवन राम, सीताराम केसरी और हरियाणा में अशोक तंवर से के बाद अब कुमारी शैलजा के को जो अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, अब ये अपने दल की नेताओं को भी नहीं बख्शते। जो कांग्रेस के अंदर जो दलित नेता थोड़ा अपनी मेहनत से ऊपर उठता है, तो कांग्रेस का ये करैक्टर, ये चरित्र रहा है जो पूरे देश के सामने है कि उसने उसको नीचे कुचलने का काम किया है। आपने तो देखा होगा कि 2014 से पहले हुड्डा की जब सरकार थी, कांग्रेस की ही दलित नेता कुमारी शैलजा, अनेक उन्होंने बयान दिए थे अखबारों के अंदर, कुमारी शैलजा के काफ़ी बयान भी आए हैं कि हुड्डा राज में दलित सुरक्षित नहीं है। उनकी स्वयं की नेता थी ये, किसी की कांग्रेस के अंदर, आज भी कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहते हैं, बहुत सारी बाइट्स कुमारी शैलजा की आज मिलेंगी। जब कांग्रेस सत्ता में थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार के अंदर दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे वो अखबारों की सुर्खी आज भी होंगी। उस समय की बाइट्स वो अखबारों के अंदर जो कुमारी शैलजा ने कहा है वो लिखा है। हमने देखा है कि मिर्चपुर कांड जैसा घिनौना कार्य है, सिर्फ एक कुत्ते के भौंकने के ऊपर एक ऐसी बेटिया को जो डॉक्टर बनना चाहती थी, जिसके अरमान थे, जिस परिवार के अरमान थे कि हम अपनी बिटिया को पढ़ा करके लिखा करके वो डॉक्टर बनेगी, क्या उस बिटिया के साथ कांग्रेस की सरकार के अंदर किस प्रकार का दुराचार हुआ? दुराचार तो हुआ, उसको मार दिया गया और कितना लोगों के घरों तक जला दिया गया। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फोन और लगाए कॉल 9769025411।